Hey guys, what's up? So this is the continuations of learn English or Hindi, right? And here we will see how we should speak the word start with there is, right? So यहाँ पे हम लोग सेंटेंस सीखेंगे कि there is से कैसे सेंटेंस बनाना चाहिए, right? So when you have a word there is, how you will formulate the sentence, right? So when we say there is no problem, right, there is no problem. So whenever you say there is no problem, which means हम लोग किसी जगह के बारे में बात कर रहे हैं, किसी दूरी के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब we are not talking about near. I am saying that there is no problem, मतलब वहाँ कोई मुसीबत नहीं है, right? We are not saying that like here is no problem. So whenever you want to use there is, which means something जो आपसे दूर है, something it's not near you, राइट. सो यू से देर इज़ नो प्रॉब्लम, वहाँ कोई मुसीबत नहीं है. देर इज़ नो ऑल्टरनेटिव, वहाँ पे कोई विकल्प नहीं है, राइट. यू आर सेइंग दैट देर इज़ नो ऑल्टरनेटिव, वहाँ पे कोई विकल्प नहीं है. देर इज़ नो बडी एट होम, मतलब वहाँ कोई घर पे नहीं है, राइट. देर इज़ नो बडी एट होम, वहाँ कोई घर पे नहीं है. देर इज़ नो बडी एट होम, वहाँ कोई घर पे नहीं है. देर इज़ नथिंग इन इट, उसमें कुछ भी नहीं है. देर इज़ नथिंग इन इट, मतलब उसमें कुछ भी नहीं है. देर इज़ नथिंग इन इट, मतलब उसमें कुछ भी नहीं है. देर इज़ नथिंग इन इट, उसमें कुछ भी नहीं है. देर इज़ नथिंग इन इट, उसमें कुछ भी नहीं है. नाउ लेट्स से आपको सेंटेंस बनाना है डेयर से. डेयर बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, राइट. यूजुअली हम लोग बहुत बोलते हैं डेयर, मतलब हाउ डेयर यू टॉक टू मी लाइक दिस, मतलब ये हिम्मत के सेंस में आता है, मतलब आपकी हिम्मत कैसे हुई कि आप इस तरीके से हमसे बात कर रहे हैं, राइट. हाउ डेयर यू टॉक टू मी लाइक दैट, मतलब आप मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकते हैं, राइट. हाउ डेयर यू टॉक टू मी लाइक दैट. हाउ डेयर यू कम हियर अगेन, मतलब तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ दोबारा आने की, राइट. हाउ डेयर यू कम हियर अगेन, मतलब आपकी ऐसे कैसे हिम्मत हो सकती है कि आप फिर से यहाँ पर आ जाओ, राइट. हाउ डेयर यू, मतलब तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि आप यहाँ पर आ जाओ. Do you dare go there alone? क्या तुम वहाँ अकेले जाने की हिम्मत कर सकते हो, मतलब आप किसी को चैलेंज कर रहे हैं, राइट. आप किसी को यू आर चैलेंजिंग समबडी सेइंग दैट डू यू डेयर गो देयर अलोन, मतलब क्या तुम वहाँ पे अकेले जा सकते हो. डू यू डेयर टू गो देयर अलोन, क्या तुम वहाँ पे अकेले जा सकते हो. आई डेयर नॉट टेल यू द ट्रूथ, मैं आपको सच बोलने की हिम्मत नहीं कर सकता हूँ. आई डेयर नॉट, मतलब मेरे पास सच बोलने की आपको हिम्मत नहीं है, मतलब मैं आपसे सच नहीं बोल पाऊँगा, राइट. आई डेयर नॉट टेल यू द ट्रूथ, मतलब मैं आपसे सच नहीं बोल सकता हूँ. हाउ डेयर यू प्ले विथ हिम, हाउ डेयर यू प्ले विथ हिम, तुम मेरे साथ खेलने की हिम्मत कैसे कर सकते हो. हाउ डेयर यू प्ले, राइट. हाउ डेयर यू प्ले विथ मी, मतलब तुम मेरे साथ खेलने की कोशिश कैसे कर सकते हो, राइट. हाउ डेयर यू प्ले विथ मी, मतलब तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरे साथ खेलोगे. इट्स लाइक यू आर वेरी सुपीरियर एंड आई एम वेरी इन्फीरियर, मतलब तुम अब बहुत बड़े आदमी हो, मैं छोटा आदमी हूँ, तो आप हमें कह सकते हैं कि हाउ डेयर यू प्ले विथ मी, मतलब तुम मेरे साथ खेलने की हिम्मत भी कैसे कर सकते हो, राइट. अभी हम लोग सीखेंगे वुड से सेंटेंस कैसे बनाते हैं, हाउ वी मेक अ सेंटेंस विथ वुड. वुड यू लाइक टू मीट मिस्टर टेस्ट, क्या तुम मिस्टर टेस्ट से मिलना पसंद करोगे. लाइक मिस्टर टेस्ट इज वन पर्सन, अज्यूम दैट मिस्टर टेस्ट इज अ वन पर्सन, सो यू आर सेइंग दैट वुड यू लाइक टू मीट मिस्टर टेस्ट, मतलब क्या तुम मिस्टर टेस्ट से मिलना पसंद करोगे. वुड यू लाइक टू मीट मिस्टर टेस्ट. वुड यू लाइक टू हैव सम कॉफ़ी, क्या तुम कॉफ़ी पीना पसंद करोगे. वुड यू लाइक टू हैव, लाइक वुड यू लाइक हम लोग कब बोलते हैं ना, जब हम लोग को रिक्वेस्ट करना पड़ता है. जब मान लीजिए कोई किसी को हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि यार कॉफ़ी पी लो यार, तो वुड यू लाइक टू हैव सम कॉफ़ी, वील यूज वुड. वुड यू लाइक, मतलब ये रिक्वेस्ट का भावना होता है, क्या तुम कॉफ़ी पीना पसंद करोगे, राइट. वुड यू लाइक टू हैव सम फूड, मतलब क्या तुम कुछ खाना पसंद करोगे. वुड यू लाइक टू हैव, मतलब क्या तुम कुछ खाना पसंद करोगे. वुड यू लाइक टू स्पीक, क्या तुम कुछ बोलना पसंद करोगे, क्या तुम बोलना पसंद करोगे, मतलब बड़ा रिक्वेस्ट आप बोल रहे हैं. वुड यू लाइक टू स्पीक,
क्या बोलना पसंद करोगे? वुड यू लाइक टू बिकम मेंबर ऑफ दिस क्लास? क्या तुम इस क्लास का सदस्य बनना पसंद करोगे? वुड यू लाइक टू बिकम मेंबर ऑफ दिस क्लास? क्या तुम इस क्लास का सदस्य बनना पसंद करोगे? वुड यू लाइक टू बिकम मेंबर ऑफ दिस क्लास? क्या तुम इस क्लास का सदस्य बनना पसंद करोगे? राइट, तो ऐसे हम लोग वुड का सेंटेंस बना सकते हैं। और मेरा रिक्वेस्ट है कि आप कोई भी वीडियो 2-3 बार देखिए, ताकि जो भी सेंटेंस है वो यू कैन स्पीक इजली, राइट। वंस यू विल वॉच मोर देन 1 टाइम 2 टाइम, राइट, यू कैन इजली स्पीक दिस सेंटेंस। बिकॉज दैट इज़ द रीजन आई वॉट एवर सेंटेंस आई मोस्टली राइट अ सेंटेंस विच वी स्पीक इन द डे टू डे लाइफ। मतलब मैं वही सेंटेंस यूज करता हूँ जो हम लोग डे टू डे लाइफ में बोलते हैं। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। विद दिस आई क्लोज दिस वीडियो एंड आई कंटिन्यू विथ अनदर वीडियो, एंड दिस वीडियो विल बी अपलोडेड टू माई चैनल। थैंक यू वंस अगेन।